नेशनल चैंपियन भी इंडिया का और अंदौर से उसका लिंक है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल वो आएंगे वो मुकाबला बड़ा ख्वाहिश क्या है किसको चित करना चाहते हैं इंशाल्लाह जो भी लड़ेगा उसको चित करने की ख्वाहिश है अच्छा जी आप क्या समझते हैं ये जो अभी नया सिलसिला शुरू हुआ है कुश्तियों का इससे कुश्तियों की जो जो सोया बिल्कुल इनसे इतना फर्क पड़ेगा कि जो हमारा शहर बेसिकली पहलवानों का शहर है तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में पहलवानी का किसी ना किसी तरीके से लिंक है तो मेरे ख्याल से मैं ये 100% श्योर हूँ कि इंशाल्लाह ये दंगलों की वजह से गुजरांवाला की पहलवानी आगे भी पाकिस्तान में 1 है और मजीद जो है इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे इस दंगलों की वजह से अगला टारगेट आप नहीं बताना चाहते कि अगला टारगेट ये है कि इंशाल्लाह कोई भी पाकिस्तान में बड़ा दंगल होगा पाकिस्तान में अभी बशीर बोला वाला कह रहे हैं जी मुझे मेरे साथ लड़ाया जाए मुझे लड़े मेरे साथ लड़े तो इंशाल्लाह ये तैयार हूँ लड़ने के लिए ये रमज़ान के बाद जब भी वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट कराएगी इंशाल्लाह लड़ेंगे उनके साथ आपको सहूलियात के हवाले से कोई बात करेंगे कि पाकिस्तान में वो कोचिज नहीं है वो सहूलियात नहीं है आजकल महंगाई के दौर में एक एक 1000 रुपया खर्चा आ रहा है एक पहलवान पे डेली का तो क्या इस हवाले से कोई गवर्नमेंट कर रही है गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में वहद हमारी क्लब है जो गवर्नमेंट ने हमें नहीं बना के दे रही है जिसमें रेसलिंग मैट भी होंगे और अखाड़ा भी होगा अभी बन रही है तो मैं और गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि वो पहलवानी के लिए खास तवज्जो के ऊपर खास तवज्जो दें क्योंकि ये जब पाकिस्तान बना था तो बहुत बहुत बड़े पहलवान अपनी जगीरें छोड़ के पाकिस्तान में आए थे तो जिनमें गामा फैमिली भी शामिल है करीम बख्श पहलवान पिलड़े वाला भी शामिल है तो गवर्नमेंट ने कभी भी इसकी सरपरस्ती नहीं की अगर गवर्नमेंट इस फंड के ऊपर थोड़े से भी पैसे लगाती है तो मैं समझूंगा एशिया और वर्ल्ड ओलंपिक में मेडल लेना कोई मुश्किल नहीं सिर्फ सहूलियात ना होने की वजह से हमारी जो है रेसलिंग पीछे है तो मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से थोड़ा सा तवज्जो दे इसके ऊपर क्योंकि इसकी बुनियादें पहलवानी की हमारी दूर दूर तक फैली हुई हैं अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी खर्च करेंगे ये पूरी दुनिया में जैसे पहले पहलवान थे हमारे 50 साल पहले वैसे ही हम इंशाल्लाह कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे बहुत बहुत थैंक यू